हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। बच्चों, एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे पार्ट अब हो चुके हैं। अब हमारा एक ही पार्ट बाकी बचा है बच्चों, जो कि है आपका सॉल्ट। ओके, तो ये जो बच्चों पूरा लेक्चर है वो सॉल्ट के ऊपर ही हमारा बेस रहेगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये जो पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम सॉल्ट। ओके, सबसे पहले बच्चों आपने देखा होगा कि हमने इतने सारे केमिकल रिएक्शन किए, सब केमिकल रिएक्शन के अंदर कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के अंदर क्या आ रहा था बच्चों, सॉल्ट आ रहा है। तो अब पहले ये समझते हैं कि सॉल्ट क्या होता है बच्चों। तो सॉल्ट जो है ना, इट इज अ कंपाउंड विच कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। क्या होता है बच्चों सॉल्ट? इट इज अ कंपाउंड विच कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। ओके, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होता है, उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं बच्चों? सॉल्ट कहते हैं। ओके, चले बच्चों मैं सॉल्ट के आपको टाइप बता देता हूं। तो सॉल्ट जो है ना, बेसिकली वो तीन टाइप के हैं। ओके, कौन कौन से है बच्चों तीन टाइप? तीन टाइप में सबसे पहला जो सॉल्ट है वो है आपका न्यूट्रल सॉल्ट। कैसा? सबसे पहला बच्चों न्यूट्रल सॉल्ट है। अगर बच्चों आपका सॉल्ट न्यूट्रल है तो बताइए उसका पीएच कितना होगा। बहुत बढ़िया बच्चों, न्यूट्रल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। सवाल यह है कि न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है? तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा जब आपका सॉल्ट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बना होगा। एसिड भी स्ट्रॉन्ग है बच्चों और बेस भी कैसा है आपका? स्ट्रॉन्ग है। तो जब एसिड बेस दोनों चीजें स्ट्रांग होगा तो आपका जो सॉल्ट बनेगा बच्चों वो कैसा बनने वाला है? न्यूट्रल सॉल्ट बनने वाला है। जैसे कि चलिए बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड के आपको मैं आयन बताता हूं। जैसे कि HCl में कौन सा आयन होता है? Cl-। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में कौन सा आयन होता है बच्चों? SO4-2। या नाइट्रिक एसिड HNO3 में कौन सा आयन होता है? NO3-। तो ये जो है बच्चों वो सारे आयन है किसके? स्ट्रॉन्ग एसिड के। अब स्ट्रॉन्ग बेस होता है बच्चों NaOH, उसमें कौन सा पॉजिटिव आयन होता है? Na+। सिमिलरली KOH, KOH में कौन सा पॉजिटिव आयन होता है? K+। सिमिलरली बैरियम हाइड्रोक्साइड, उसमें कौन सा आयन होता है बच्चों? Ba+2। ओके, तो आप इनमें से कोई भी एक पेयर को जोड़ लीजिए, जो आपका सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा बच्चों? न्यूट्रल होगा। जैसे कि चलिए यहां से हम Na लेते हैं, यहां से हम Cl लेते हैं, तो सॉल्ट कौन सा बना बच्चों? NaCl बना। यहां से आप K ले लो, यहां से आप SO4-2 ले लो, तो आपका सॉल्ट कौन सा बनेगा बच्चों? K2SO4। तो इन दोनों के अंदर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों जो है उसका सोर्स कैसा है? स्ट्रांग है। तो ये सॉल्ट कैसा बनेगा बच्चों? आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। बोलिए इतना आपको समझ में आया? ओके, चलिए बच्चों दूसरी बात करते हैं। न्यूट्रल के बाद अगर बात करें हम एसिडिक सॉल्ट का, तो ऐसे दिखे इसका मतलब पीएच कैसा होगा बच्चों? ऑब्वियसली लेस देन 7 ही होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको। ओके, चलिए ये कब बनेगा बच्चों? क्योंकि ये एसिडिक सॉल्ट है, इसका मतलब है कि एसिड कैसा होना चाहिए बच्चों? स्ट्रांग होना चाहिए। एसिड कैसा होना चाहिए बच्चों? स्ट्रांग होना चाहिए। और जो बेस है वो कैसा होना चाहिए बच्चों? वीक होना चाहिए। तो ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रांग एसिड और वीक बेस के जुड़ने से बना है, स्ट्रांग एसिड और वीक बेस के जुड़ने से बना है, ऐसे सॉल्ट को हम क्या कहेंगे बच्चों? एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। चलिए स्ट्रांग एसिड के आयन ये रहे ऊपर दिए हुए बच्चों, आपको वापस लिखते हैं। Cl- है स्ट्रांग एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का SO4 है, नाइट्रिक एसिड का NO3- है। अब वीक बेस में ज्यादा नहीं लिखूंगा यहां पर, अभी आप एक ही याद रखिए, NH4+ अमोनियम आयन, जो वीक बेस का है NH4OH का आयन है। तो जब NH4NCl जुड़ा तो आपका सॉल्ट कौन सा बनेगा बच्चों? ऑब्वियसली NH4Cl बनेगा। ओके, तो NH4Cl का जो पॉजिटिव आयन है वो वीक बेस में से आया हुआ है, और नेगेटिव आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का आयन है HCl का। मतलब ये आपका जो सॉल्ट है वो कैसा बनना है? एसिडिक बनना है, क्योंकि एसिड वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है। तो इसका पीएच कैसा होगा बच्चों? लेस देन 7 होगा। सिंपल है ना। चलिए उसी तरह से आप तीसरा पार्ट बताइए बच्चों क्या होगा। ऑब्वियसली ये हो जाएगा आपका बेसिक। बेसिक मतलब उस सॉल्ट के सॉल्यूशन का पीएच कैसा होगा? ग्रेटर देन 7 होगा। ओके, चलिए बच्चों बेसिक है, इसका मतलब वो किसमें से बना होगा? वीक एसिड होगा, उसका एसिड कैसा होगा? वीक होगा। ओके, और बेस कैसा होगा बच्चों? स्ट्रांग होगा। बेस कैसा होना है आपका? स्ट्रांग होने वाला है। कैसा होगा ये बेस जो है वो? स्ट्रांग होगा। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? इतना सिंपल जो मैं समझा रहा हूं वो। ओके, चलिए बच्चों अब क्विकली मैं आपको एग्जांपल देता हूं। वीक एसिड, वीक एसिड में आप एक एसिडिक एसिड ले लीजिए, तो उसका आयन कौन सा होगा? Ca3C00-। उसी तरह से आप फॉर्मिक एसिड ले लीजिए तो HC00-। उसी तरह से आप कार्बोनिक एसिड भी ले सकते हो, तो उसका आयन होता है बच्चों HCO3-। ओके, या फिर आप हाइड्रोसाइनिक एसिड लो तो उसका आयन होता है Cn-। तो ये सारे जो है बच्चों वो वीक एसिड के आयन है। चलिए स्ट्रांग बेस के आयन तो ऑलरेडी ऊपर है, यहां पे देख लीजिए कौन कौन से आयन है स्ट्रांग बेस के? Na+ है, K+ है, और कौन है बच्चों आपका? Ba+2 है।
राइट। तो इन दोनों की जब पेयर बनेगी तो आपका सॉल्ट कैसा बनना है बच्चों? बेसिक बनने वाला है। कैसा बनेगा ये सॉल्ट जो है वो? बेसिक बनेगा। ओके चले बच्चों, ओके। तो एग्जांपल ले लेते हैं इसका, कोई एक का पैर जोड़ लेते हैं बच्चों। सपोज मान लीजिए एन ए के साथ सी एच थ्री सी डबल ओ एच को जोड़ लिया, तो ये हो गया आपका सी एच थ्री सी डबल ओ एन ए, जिसका एसिड वीक था बेस स्ट्रांग था, तो सॉल्ट कैसा बनेगा? बेसिक। या फिर आप एन ए के साथ एच सी ओ थ्री को जोड़िए, एन ए एच सी ओ थ्री, तो इसमें भी बेस वाला पार्ट स्ट्रांग है, एसिड वाला पार्ट कैसा है बच्चों? वीक है। तो इतना हो गया बच्चों आपका टाइप्स ऑफ द सॉल्ट। समझ में आया आपको इतना? न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। चले बच्चों, अब हमें जो बात करनी है वो बात करनी है हमें अबाउट द कॉमन सॉल्ट। क्या होता है बच्चों कॉमन सॉल्ट? एनएसीएल, बहुत बढ़िया, जो हम खाने के लिए यूज करते हैं। और एनएसीएल जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रॉ मटेरियल है, उसको यूज करके आप बहुत सारे और अलग अलग कंपाउंड भी बना सकते हो। ओके चले बच्चों, तो स्टार्ट कर लेते हैं अभी कॉमन सॉल्ट। ओके चलिए बच्चों, तो कॉमन सॉल्ट चालू करते हैं। कॉमन सॉल्ट जो है बच्चों उसका केमिकल नाम क्या होता है, फॉर्मूला क्या है? NaCl, आप अवेयर ही हो उससे। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? सोडियम क्लोराइड कहते हैं, यस और नो? क्या कहते हैं बच्चों उसको हम? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ओके चलिए बच्चों, कैसा सॉल्ट होगा ये आपका? ऑब्वियसली न्यूट्रल सॉल्ट होगा, बिकॉज सोडियम भी स्ट्रॉन्ग बेस में से आया है, सीएल भी स्ट्रॉन्ग एसिड में से आया, तो ये सॉल्ट कैसा होता है आपका? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल है इसका मतलब इसका पीएच कितना होगा बच्चों? 7 होगा। और इसको हम कहाँ यूज करते हैं? ये नॉर्मली यूज होता है इन द फूड प्रिपेरेशन, खाने के अंदर। इसके सिवाय तो खाना कभी अच्छा लगने वाला नहीं है ना, चुटकी भर नमक चाहिए ही चाहिए। ओके उसके बिना स्वाद आता नहीं है। ओके चले बच्चों, अब ये बात करते हैं कि इसका सोर्स क्या क्या है, ठीक है? चलिए इसका सोर्स देख लेते हैं बच्चों। राइट, तो इसका जो सोर्स है बच्चों, सबसे पहला तो सोर्स है आपका सी वाटर, क्योंकि हमें पता है कि समुद्र का जो पानी है वो बहुत खारा होता है, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट डिजोल्व होते हैं, उसमें से एक सॉल्ट जो है वो NaCl भी होगा। तो आपने कभी देखा भी होगा कि जब आप समुद्र किनारे जाते हो तो बहुत सारा व्हाइट व्हाइट पाउडर होता है, और वो कुछ नहीं होता है, समुद्र का पानी जब सूखेगा तो सॉल्ट जो है वो वहीं के वहीं बैठ जाएंगे। ओके तो जो सी वाटर है उसको ड्राई करके हम क्या करते हैं? ये NaCl को निकालते हैं। चलिए बच्चों, दूसरा है एज अ रॉक सॉल्ट। ओके ये जो रॉक सॉल्ट है ना बच्चों, ये क्या है बच्चों? तो ये है आपका सॉलिड डिपॉजिट ऑफ NaCl। क्या है ये? ये बच्चों सॉलिड डिपॉजिट ऑफ NaCl। ओके तो ये जो है ना वो बड़े बड़े पत्थर होंगे NaCl के। ओके और ये NaCl के जो पत्थर है ना वो कलर में होंगे बच्चों ब्राउन। एक्चुअली NaCl तो व्हाइट होना चाहिए, बट ये ब्राउन क्यों होगा? ब्राउन होगा ड्यू टू इम्प्योरिटी। कैसा होगा बच्चों? ये अंदर उसके अंदर इम्प्योरिटी भरने की वजह से ये सॉल्ट कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा ब्राउन दिखेगा। चलिए कैसे बनेगा ये बड़े बड़े पत्थर कैसे बनेंगे? तो बाइगन एजेस के सीज जब ड्राई अप हो जाएंगे पूरे, तो उसके अंदर का जो सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा बच्चों? वहीं का वहीं रह जाएगा इन द सॉलिड फॉर्म, और वो बड़े बड़े पत्थर बन जाएंगे सॉल्ट के। ओके तो ये कैसे बनेगा बच्चों आपका? तो ये बनेगा व्हेन द सीज ऑफ बाइगन एजेस ड्राइड अप। ओके और जिस तरह से कोयले को माइनिंग किया जाता है ना, उसी तरह से रॉक सॉल्ट को भी माइन किया जाता है। ओके इट इज माइन सिमिलर टू द कोल, इट इज माइन सिमिलर टू कोल। ओके क्लियर बच्चों आपको इतना? ठीक है चलिए बच्चों आगे देखते हैं। इसके आगे का जो पॉइंट है आपका वो है कॉमन सॉल्ट के जो यूजेस है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉमन सॉल्ट। ओके बिकॉज इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर नंबर ऑफ अदर कंपाउंड, इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर नंबर ऑफ केमिकल, इट इज द रॉ मटेरियल फॉर नंबर ऑफ केमिकल। ओके चलिए कौन से केमिकल है जिसका ये बाई रॉ मटेरियल है? तो ये रॉ मटेरियल है NaOH का कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर ये रॉ मटेरियल है बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 जो हम यूज करेंगे एज अ बेकिंग सोडा। फिर है बच्चों वॉशिंग सोडा, दैट इज Na2CO3। ओके फिर इसमें से बनता है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनता है इसके अंदर से? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ओके तो इसीलिए जो NaCl है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रॉ मटेरियल है। फाइन तो बच्चों यही डिस्कशन करेंगे कि NaCl का यूज करके हम क्या क्या बना सकते हैं। और यहाँ पे एक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थियरी आ रही है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो थियरी है बच्चों आपका क्लोर अल्कली प्रोसेस एंड प्रिपेरेशन ऑफ NaOH। ओके चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वो थियरी। चले बच्चों तो क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्या करना है हमें? तो हमें बहुत सिंपल सा काम करना है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी पास कराना है। क्या करना है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी पास कराना है। इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड किसमें से पास कराना है? थ्रू
एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. ओके, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या है बच्चों? NaCl का एक्वियस सॉल्यूशन. उसमें से हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है. और ये एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हमें कौन नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं बच्चों ब्राइन. क्या कहते हैं इसको? हम ब्राइन भी कहते हैं. ओके, आप पानी के अंदर नमक डालोगे ना तो उस सोल्यूशन को हम ब्राइन भी कहते हैं. चलिए बच्चों, ऐसा करने से क्या होगा? तो ऐसा करने से पहले केमिकल रिएक्शन देखते हैं कि क्या होने वाला है. ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों. अब ये जो है ना वो उसका हार्ट है क्लोरोअल्कली प्रोसेस का. तो हमने बच्चों NaCl लिया. किस फॉर्म में आपका NaCl जो है वो एक्वियस फॉर्म में है. ओके, वॉटर में डाला हुआ है तो यहाँ पे H2O लिक्विड भी लिखेंगे हम. ठीक है, ओके. चलिए बच्चों, इसके बीच में जब रिएक्शन होगा, क्योंकि हम इसमें से करंट पास करा रहे हैं. क्या पास करा रहे हैं बच्चों? इसमें से हम करंट पास करा रहे हैं. तो करंट पास कराने से एक तो आयन पहले सेपरेट हो जाएंगे. चलिए, तो NaCl में से बच्चों कौन से आयन सेपरेट होंगे? ऑब्वियसली Na+ एंड Cl-. और वाटर में कौन से आयन होते हैं बच्चों? हमने पढ़ा है वाटर में होता है H+ एंड OH- आयन. यस और नो? ओके, चलिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये जो दोनों आयन है पॉजिटिव आयन, कौन कौन बच्चों? Na+ एंड H+. ये दोनों पॉजिटिव आयन जो है वो कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएंगे? तो पॉजिटिव जाएगा बच्चों नेगेटिव के ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा. नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं बच्चों? नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड. तो ये दोनों पॉजिटिव आयन जो है ना बच्चों वो कहां जाएंगे? कैथोड की तरफ जाएंगे. कहां जाएंगे बच्चों? कैथोड की तरफ. बट दोनों में से एक ही रेस जीतेगा. तो रेस कौन जीतता है बच्चों? ये हाइड्रोजन गैस से रेस जीत जाएगा. कौन जीतेगा? ये हाइड्रोजन गैस से रेस जीतेगा. और Na+ ये रेस में हार जाएगा, मतलब वो अंदर का अंदर ही रह जाएगा. और ये H+ कहां पहुंच जाएगा बच्चों? कैथोड पे पहुंच गया. तो ये H+ कहां पहुंच गया बच्चों? आपका कैथोड पे पहुंच गया है. ओके, सिमिलरली बच्चों जो आपके नेगेटिव आयन है, कौन कौन से नेगेटिव आयन? Cl- एंड OH-. जो नेगेटिव है बच्चों वो कहां जाएंगे? बहुत बढ़िया, पॉजिटिव के ऊपर जाएंगे. पॉजिटिव को हम कहते हैं बच्चों एनोड. अब यहां भी दो आयन है नेगेटिव, Cl भी है और OH भी है. रेस तो दोनों में से एक ही जीतेगा. तो यहां भी बच्चों रेस कौन जीतता है? Cl जीतता है. तो Cl कहां पहुंच जाएगा पहले बच्चों? एनोड के ऊपर पहुंच जाएगा. ओके, तो अब क्या होगा? प्रोडक्ट दिखेगा बच्चों. ये हाइड्रोजन कहां पहुंचा? कैथोड के ऊपर. वहां पे H+ में से क्या बन जाएगा? H2 गैस बन जाएगा. हाइड्रोजन गैस कहां बनना है बच्चों? हाइड्रोजन गैस बनेगा आपका कैथोड के ऊपर. कहां बनेगा हाइड्रोजन गैस बच्चों? कैथोड के ऊपर बनेगा. समझ आ रहा है आपको इतना? ओके, सिमिलरली बच्चों जो आपका Cl- है वो कहां पहुंचा पहले? एनोड के ऊपर पहुंचा. बहुत बढ़िया, राइट. तो एनोड के ऊपर Cl- में से क्या बन जाएगा? Cl2 गैस बन जाएगा. चलिए, कहां बनेगा बच्चों? ये क्लोरीन गैस एनोड के ऊपर बनेगा. ऐसे दो है जो कहीं जा ही नहीं पाए, सॉल्यूशन के अंदर ही रह गए. ऐसे कौन कौन है? तो एक Na+ आ गया था और एक OH- आ गया था. तो ये दोनों अपने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेंगे और क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पे NaOH बन जाएगा. क्या बन जाएगा बच्चों? ये NaOH बन जाएगा. और NaOH को क्या कहते हैं हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं. और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक कंपाउंड है. टेस्ट में बिटर भी होगा, वाटर में सोल्यूबल ही है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? आल्कली कहते हैं. हमने डेफिनेशन के वक्त देखा था बच्चों, आपको याद होना चाहिए. यस और नो? तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? अल्कली कहेंगे. समझ आया बच्चों आपको इतना? तो तीन प्रोडक्ट हमें मिले. जैसे ही आप पानी के अंदर सॉल्ट डाल के उसमें से करंट पास कराओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा. हाइड्रोजन गैस कहां मिलेगा बच्चों? कैथोड के ऊपर. क्लोरीन गैस कहां मिलेगा बच्चों? एनोड के ऊपर. और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाने वाला है. तो यहां पे दो प्रोडक्ट में एक क्लोरीन है और एक अल्कली है, इसीलिए बच्चों इस प्रोडक्ट को प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? क्लोर अल्कली प्रोसेस. और ये क्लोर अल्कली के अंदर बच्चों जो भी तीनों के तीनों प्रोडक्ट मिला है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबके कुछ ना कुछ यूज है. जैसे कि अगर मैं लिखूं बच्चों हाइड्रोजन के यूजेस, तो हाइड्रोजन के बच्चों यूजेस जो है दैट इज हाइड्रोजन इज यूज एज अ फ्यूल. ओके, फिर ये हाइड्रोजन यूज होता है एज अ मार्गरीन. ओके, फिर बच्चों आपका हाइड्रोजन यूज होगा फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया इज यूज फॉर फर्टिलाइजर. ओके, तो हाइड्रोजन फ्यूल की तरह भी यूज होगा, एज अ मार्गरीन यूज होगा. फिर अमोनिया के बनाने के लिए यूज होता है. अमोनिया जो है वो फर्टिलाइजर का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. चले उसी तरह से बच्चों क्लोरीन गैस के क्या क्या इंपॉर्टेंस है? तो क्लोरीन गैस के जो यूज है बच्चों वो यूजेज है आपके वॉटर ट्रीटमेंट. सबसे पहला कौन सा पॉइंट? सबसे पहला वॉटर ट्रीटमेंट. आप स्विमिंग पूल जाते होंगे ना तो आपको पता होता है कि स्विमिंग पूल के पानी में क्या होता है? क्लोरीन गैस होता है और उससे स्किन जो है ना वो काली पड़ जाती है ना. मैं भी बहुत काला हुआ था जब 10th के वैकेशन में
स्विमिंग ज्वाइन किया था ना, तब की बात है ना। चले बच्चों, तो फिर ये यूज होता है आपके स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल में यूज होगा बच्चों क्लोरीन गैस। ओके चले बच्चों, तीसरा इसका यूज है फॉर मेकिंग ऑफ पीवीसी पाइप। ओके फिर बच्चों, ये यूज होता है एज अ डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट। ओके फिर ये यूज होता है बच्चों फॉर प्रिपेरेशन ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दे आर वेरी गुड रेफ्रिजरेंट। क्या है बच्चों ये रेफ्रिजरेंट? एसी में जो गैस होता है ना, वो गैस होता है ये सीएफसी। ओके क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपने पढ़ा भी होगा कि ये विलन है, ओजोन होल को डिप्लॉय करता है, सीएफसी है कि नहीं, याद है ना आपको? चले बच्चों, और एक आखिरी इसका यूज हम यहां पर मेंशन करेंगे एज अ पेस्टिसाइड। ओके पेस्ट को मारने के लिए यूज होता है ये इन द एग्रीकल्चरल फील्ड। तो ये सारे बच्चों किसके यूज है? क्लोरीन के यूज है। तो हाइड्रोजन के यूज हो गए, यहाँ पे क्लोरीन के यूज हो गए बच्चों। और अब यूज देख लेते हैं एनएओएच के। तो एनएओएच जो है बच्चों उसके यूज है, सबसे पहला यूज है एनएओएच का फॉर डिग्रीजिंग मेटल। क्या यूज है बच्चों पहला? डिग्रीजिंग द मेटल, मेटल को डिग्रीज करने के लिए यूज होता है। अगर मेटल पे ग्रीस लगा है ना, तो वो ग्रीस को निकालने के लिए एनएओएच यूज होता है बच्चों। ओके फिर उसी तरह से इसका दूसरा यूज है बच्चों आपका पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में। कहां पर है बच्चों दूसरा यूज इसका? फॉर द पेपर मेकिंग इंडस्ट्री। ओके फिर बच्चों इसका तीसरा यूज है आपका, दैट इज अ सोप एंड डिटर्जेंट प्रिपेरेशन। किसके लिए बच्चों? सोप एंड डिटर्जेंट का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसके बिना सोप एंड डिटर्जेंट बनते नहीं है। ओके और बच्चों एक और यूज है इसका फॉर द आर्टिफिशियल फाइबर। किसके लिए यूज होता है ये आपका? आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए भी यूज होता है, राइट? तो इतना डेटा बच्चों क्लोरोअल्काली प्रोसेस का इंपॉर्टेंट है। मैं तीनों के जो यूजेस है ना उसको एक बार ब्रैकेट बना लेता हूं ताकि सारे के सारे सेपरेट रहे। ये सारे किसके यूज है बच्चों? हाइड्रोजन के। ओके यहां पे ये जो है बच्चों क्लोरीन का यूज है, ये ब्लू ब्रैकेट के अंदर जो आया वो किसका यूज है बच्चों? ये क्लोरीन का। ओके और वापस यहां पे इस ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है ग्रीन वाले में, राइट, ये किसके यूज है बच्चों? एनएओएच के यूज है। क्लियर बच्चों क्लोरोअल्काली प्रोसेस क्या है वो? चलिए क्लोरोअल्काली प्रोसेस करना एक छोटा सा यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। आपको एग्जाम में अगर फिगर पूछा तो आपको ड्रॉ करना है, कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, बहुत सिंपल सा एक काम है बच्चों। एक कंटेनर लेना है, ओके यहाँ पे आपको खाली जगह रखनी है बिकॉज ब्राइन को अंदर लाना है ना। सिमिलरली यहां से भी हमें क्या करना है बच्चों? खाली जगह रखनी है। ओके चलिए कंटेनर को क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे पैक करेंगे नीचे से, और ऊपर से हमें क्या करना है बच्चों? दो वेंट्स रखने हैं। क्या करेंगे? ऊपर से हम दो वेंट रखने वाले हैं। ओके और बीच में हमें लेना है बच्चों सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। क्या लेना है बच्चों? बीच में हमें सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन लेना होता है। ओके चलिए बच्चों, इसके अंदर क्या भरा है? तो इसके अंदर हम यहां से किसको एंट्री कराते हैं? यहां से हम एंट्री कराते हैं ब्राइन को। किसको एंट्री कराएंगे? इसके अंदर ब्राइन को एंट्री कराएंगे। मतलब इसके अंदर पूरा क्या भरा हुआ है बच्चों? ब्राइन भरा हुआ है। अभी करंट तो पास ही नहीं कराया। हाँ चलिए, करंट पास कराने के लिए इसके अंदर इलेक्ट्रोड डालने पड़ेंगे। इलेक्ट्रोड के बिना करंट थोड़ी पास होता है। चलिए बच्चों, तो करंट पास कराने के लिए इसके अंदर इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। चलिए ये आ गए दो इलेक्ट्रोड्स। ओके थोड़ा हाईलाइट करते हैं इसको। तो ये क्या हो गया बच्चों? आपके इलेक्ट्रोड्स हो गए दोनों। ओके चलिए फटाफट इसको डार्कन कर लेते हैं, तो ये क्लियर दिखना चाहिए आपको। ओके चलिए फाइन। तो ये आपके बच्चों क्या हो गया? इलेक्ट्रोड हो गया। इलेक्ट्रोड को करंट तो देना पड़ेगा ना, तो करंट देने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? ऊपर एक बैटरी कनेक्ट करने वाले हैं ऑब्वियसली। चलिए तो यहां पर एक बैटरी कनेक्शन हो जाए। तो यहां पे बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, यहां पे नेगेटिव टर्मिनल। तो जो आपको पॉजिटिव के साथ आपने जोड़ा है वो क्या होगा? आपका एनोड होगा। क्या होगा? पॉजिटिव वाला एनोड। और जो नेगेटिव में जोड़ा है बच्चों वो क्या होगा? यहां पे क्या आपका कैथोड टर्मिनल है। ठीक है चलिए बच्चों, अब यहां पे अंदर कौन कौन से आयन है? तो Na प्लस है, और कौन है? H प्लस है। चलिए ये वाला टर्मिनल आपका कैसा है? पॉजिटिव टर्मिनल है। और ये वाला टर्मिनल कैसा है? आपका नेगेटिव टर्मिनल है। चलिए कौन कौन से आयन है बच्चों? Na प्लस है और H प्लस है। ये दोनों कहां जाएंगे बच्चों? नेगेटिव के ऊपर आएंगे। कहां आएंगे? दोनों के दोनों नेगेटिव की साइड, मतलब इसी तरफ रहेंगे दोनों, नेगेटिव की तरफ। और जो पॉजिटिव वाले है कौन है बच्चों? आपके नेगेटिव आयन कौन से है? Cl माइनस एंड OH माइनस। कौन सा नेगेटिव आयन? Cl माइनस एंड OH माइनस। देखिए यहां पे वो दोनों किस तरफ रहेंगे बच्चों? वो दोनों जो है वो कैथोड की तरफ ही रहेंगे, पॉजिटिव की तरफ, सॉरी एनोड की तरफ, दैट इज पॉजिटिव वे। ओके चलिए यहां से बच्चों आपका कौन सा गैस इवॉल्व होकर बाहर आ रहा था? देखिए तो कैथोड के ऊपर से, तो ये आपका जो एनोड वाला पार्ट है बच्चों वहां पर कौन सा गैस बाहर आता है?
क्लोरीन गैस, कौन सा गैस बाहर आएगा यहां से? क्लोरीन गैस। और जो आपका कैथोड वाला पार्ट है बच्चों, कैथोड वाले पार्ट में से कौन सा गैस बाहर आता है? यहां से आएगा आपका हाइड्रोजन गैस बाहर आएगा। और बाकी क्या बचता है बच्चों? लास्ट में सॉल्यूशन में बच जाता है NaOH। तो यहां से हम बाहर निकालें बच्चों, क्या बाहर निकालेंगे? ब्राइन कंटेनिंग NaOH। क्या बाहर निकालेंगे यहां से बच्चों? हम ब्राइन कंटेनिंग NaOH जो है वो यहां से हम बाहर निकाल लेंगे। बोले बच्चों इतना क्लियर? तो ये आपका हो गया फिगर, और ये आपका पूरा थियरी है इसके अंदर इंक्लूडेड। ओके क्लियर बच्चों? क्लोरोअल्काली प्रोसेस, आगे बढ़ाए अपनी गाड़ी को। चलिए ऑब्वियसली आगे बढ़ाएंगे अब। चलिए बच्चों अब बारी है ब्लीचिंग पाउडर करने की। ओके तो आपने देखा बच्चों के क्लोरोअल्काली प्रोसेस में एक प्रोडक्ट कौन सा मिला था? क्लोरीन गैस मिला था, यस और नो? और ये जो क्लोरीन गैस है बच्चों, इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। ओके तो पहले आप ये देखिए कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है बच्चों CaOCl2। क्या फॉर्मूला है बच्चों इसका? CaOCl2। और इसका केमिकल नेम है बच्चों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है इसका केमिकल नेम बच्चों? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो इसका केमिकल नेम है। किसका? CaOCl2 का। क्या है केमिकल नेम बच्चों? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके चलिए बच्चों, तो जो क्लोरोअल्काली प्रोसेस में क्लोरीन बना था, वो क्लोरीन गैस इज एक्टेड अपॉन, किससे रिएक्ट कराना है बच्चों? क्लोरीन गैस इज एक्टेड अपॉन ड्राई स्लैग लाइम। किससे रिएक्ट कराएंगे? एक्टेड अपॉन ड्राई स्लैग लाइम। और ये क्या दे देगा बच्चों आपको? ये आपको दे देगा ब्लीचिंग पाउडर। क्या देगा बच्चों आपको? ये ब्लीचिंग पाउडर देगा। ओके समझ में आया आपको इतना? तो ये जो क्लोरीन गैस बना था उसको किससे रिएक्ट कराओगे? स्लैग लाइम। स्लैग लाइम क्या होता है बच्चों? CaOH2। क्या होता है स्लैग लाइम? CaOH2। तो रिएक्ट कराओ तो इससे क्या बनेगा बच्चों? ये बनाएगा CaOCl2 प्लस H2O। और ये जो आपका CaOCl2 है बच्चों, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। एक्चुअली जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, उसका फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट 10th स्टैंडर्ड के बेसिस पर आप इतना याद रखिए कि ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2। ओके चलिए बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस आपको बता देता हूं। तो उसके तो नाम में ही लिखा है ना, फॉर द ब्लीचिंग। तो वो क्या क्या ब्लीच कर सकता है बच्चों, वो देखिए। तो फॉर ब्लीचिंग ऑफ, चलिए सबसे पहले बच्चों टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो क्या ब्लीच कर सकता है? तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो ब्लीच कर सकता है कॉटन के क्लोथ्स को या लिनन के कपड़े को, वो ब्लीच करता है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके फिर बच्चों पेपर बनाने के लिए जो वुड पल्प होता है उसको भी ब्लीच करता है कौन? ये ब्लीचिंग पाउडर, फॉर द ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, करेंगे? ओके और बच्चों धोए हुए कपड़ों को वॉश करे, कपड़ों को वॉश करने के बाद भी उसको ब्लीच करा जाता है, राइट? तो दैट इज द वॉश्ड क्लोथ, ब्लीचिंग ऑफ द वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। ओके तो यहां भी आपका क्या यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। समझ आ रहे हैं बच्चों आपको? चलिए इसका दूसरा यूज है बच्चों, फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका रीजन क्या है बच्चों? तो इसका रीजन जो है ना, वो इसका फॉर्मूला है कि ये जो CaOCl2 है ना, उसके पास ये नेसेंट ऑक्सीजन है। तो ये क्या कर सकता है? इस ऑक्सीजन को किसी को भी डोनेट कर सकता है, और ये दूसरे को ऑक्सीजन दे देगा, मतलब दूसरे का क्या करेगा? वो ऑक्सीडेशन करेगा, राइट? सो ड्यू टू दिस नेसेंट ऑक्सीजन, वो क्या कर सकता है बच्चों? बहुत इजीली ऑक्सीडाइज कर सकता है, मतलब वो कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और आखिरी यूज है बच्चों इसका, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर जर्म फ्री, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर जर्म फ्री। तो पीने वाले पानी में भी ये ब्लीचिंग पाउडर की गोलियां डाली जाती है। ओके उससे क्या होगा? जो उसके अंदर जर्म्स होंगे वो सारे जर्म्स जो है वो मर जाएंगे, और ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्योर हो जाएगा। समझ आया बच्चों आपको? तो इतना आपको याद करना है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर के लिए, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर आपको इतना? ओके चलिए बच्चों, अब इसके बाद का जो सॉल्ट आपको पढ़ना है वो सॉल्ट है बच्चों आपका बेकिंग सोडा। कौन सा है वो सॉल्ट? बेकिंग सोडा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स बिगिन द बेकिंग सोडा। चलिए तो बेकिंग सोडा जो है बच्चों, उस बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। क्या है बच्चों उसका केमिकल फॉर्मूला? है NaHCO3, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके या उसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं बच्चों उसको? हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके चलिए
अभी तो बच्चों लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो हम पूरे दिन क्या करते हैं, उठते हैं, खाते हैं, थोड़ा बहुत टाइम मिला तो पढ़ते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। और लॉकडाउन में सबसे खराब हालत किसकी है पता है? सबसे खराब हालत है लॉकडाउन में मम्मियों की। बेचारी पूरे दिन किचन में लगी रहती है, कुछ ना कुछ बनाती रहती है और हम डिमांड करते रहते हैं ये लाओ वो लाओ फलाना दिखना। ओके, तो कभी हमें पकौड़ा खाने का मन हो गया तो मम्मी क्या करेगी, पकौड़ा को एकदम क्रिस्पी बनाने के लिए उसके अंदर एक व्हाइट कलर का पाउडर डालती है। ओके, और वो जो पाउडर है ना बच्चों, वो और कुछ नहीं है, क्या है वो पाउडर? बेकिंग पाउडर है। क्या है बच्चों? वो बेकिंग पाउडर है। तो बेकिंग पाउडर जो है वो एक और चीज के लिए भी यूज किया जाता है, टू मेक द कुकिंग फास्टर। सो इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। ओके, इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। चले बच्चों अब ये देखते हैं कि बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा बनेगा कैसे। तो बच्चों आपको बेकिंग सोडा अगर बनाना है ना, तो आपको चार इंग्रेडिएंट चाहिए। कितने इंग्रेडिएंट चाहिए बच्चों? हमें चार इंग्रेडिएंट चाहिए। कौन कौन से वो चार इंग्रेडिएंट, ध्यान से देखिएगा। एक तो आपको चाहिए बच्चों NaCl, सोडियम क्लोराइड। साथ में बच्चों आपको चाहिए वाटर, दैट इज H2O। ओके, साथ में बच्चों आपको चाहिए यहाँ पे CO2, और आखिरी इंग्रेडिएंट आपको चाहिए अमोनिया NH3। तो जब आप ये चारों के बीच में रिएक्शन कराओगे ना, एक्चुअली चार पांच स्टेप का ये रिएक्शन होता है, इसे कहते हैं सॉल्वेज अमोनिया सोडा मेथड, जो हायर क्लासेस में आता है। आपको इतना याद रखना है कि सॉल्ट NaCl लेना है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इतना चीजें ले लिया। जब इनके बीच में बच्चों रिएक्शन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? दो चीजें प्रोड्यूस होगी। एक प्रोड्यूस होगा बच्चों NH4Cl, और दूसरा प्रोड्यूस होगा ये NaHCO3। क्या क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों? NH4Cl, और दूसरा क्या प्रोड्यूस होगा? NaHCO3। चलिए NH4Cl का नाम क्या है? तो अमोनियम क्लोराइड। क्या है ये NH4Cl बच्चों? अमोनियम क्लोराइड, जो हमारा बाई प्रोडक्ट है, उसमें से वापस अमोनिया गैस को बाहर निकाला जाता है और यूज करा जाता है। हायर क्लासेस में आप सीखोगे। और ये बच्चों आपका वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है बच्चों? ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको इतना? ओके, चलिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अगर एक्वियस सॉल्यूशन बनाया तो वो एक्वियस सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? चलिए हिंट बताइए मुझे। तो NaHCO3 के अंदर कौन कौन सा आयन है बच्चों? Na+ आयन है। और कौन सा आयन है बच्चों? HCO3- आयन होता है। तो Na+ जो है वो किसमें से आया होगा? वो स्ट्रॉन्ग बेस में से आया होगा, NaOH में से। बोले हाँ के ना? ऑब्वियसली हाँ। और HCO3- कहां से आया होगा बच्चों? वीक एसिड में से आया होगा, कार्बोनिक एसिड में से। तो अभी हमने देखा बच्चों आगे कि अगर सॉल्ट में बेस वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो ये सॉल्ट कैसा बनेगा बच्चों? बेसिक बनेगा। तो इसका जो एक्वियस सॉल्यूशन है वो कैसा होगा? बेसिक होगा। इट्स एक्वियस सॉल्यूशन इज बेसिक। ओके, एंड बेसिक है इसका मतलब इसका पीएच कैसा होगा बच्चों? ग्रेटर देन 7 होगा। एंड इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। कैसा है बच्चों? ये माइल्ड एंड नॉन कोरोसिव बेसिक कंपाउंड है। कौन? NaHCO3। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों आपको सीखना है यहां पे कि अगर आप NaHCO3 को गर्म करोगे तो क्या होगा। यही तो सारा खेल है बच्चों, कि आप NaHCO3 को जब गर्म करते हो ना, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया तो उसमें से बनेगा Na2CO3, और बनना है बच्चों H2O, और बनना है CO2। क्या क्या बनेगा बच्चों? Na2CO3 बनेगा, और H2O बनेगा, और CO2 बनेगा। और ये CO2 का यूज है, अभी हम आगे यूजेस जब करेंगे ना इसके, तब मैं बताऊंगा कि CO2 का यूज क्या है। ओके, इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे मैं डालना पड़ेगा बच्चों 2, बाकी सब बैलेंस है। तो इतने उसके बेसिक रिएक्शन है बच्चों बेकिंग सोडा के, उसका प्रिपेरेशन, उसका बेसिक नेचर, और उसको गर्म करने पर कौन सा गैस इवॉल्व होता है बच्चों? CO2 गैस इवॉल्व होता है। कौन सा गैस इवॉल्व होता है? CO2 गैस। इतना क्लियर हुआ आपको? चले बच्चों अब बारी है इसके यूजेस देखने की। चलिए तो इसके यूजेस पे जाते हैं। अब छड़े बच्चे यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा में सबसे पहला है फॉर प्रिपेरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। बच्चों अब जो बेकिंग पाउडर है ना, उसके अंदर दो चीजें है, एक तो बेकिंग सोडा है। अब हमने पढ़ा ना कि बेकिंग सोडा कैसा होता है बच्चों? अल्कलाइन होता है, नेचर में बेसिक होता है। मतलब अगर आप उसको डायरेक्ट खाने में डाल दोगे तो आपका खाना कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। बेसिक है मतलब उसका टेस्ट जो है वो खराब हो जाएगा।
तो आपको किसी तरह से उस बेसिक को न्यूट्रल करने के लिए कुछ एसिड डालना पड़ेगा। ओके, तो बेकिंग पाउडर के अंदर क्या होता है बच्चों? बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, ओके, और उसके अंदर साथ में डाला जाता है कोई माइल्ड एडिबल एसिड। ऐसा एसिड डाला जाता है जो तो माइल्ड होना चाहिए और खाने लायक होना चाहिए, जैसे कि टार्टरिक एसिड। क्या होगा बच्चों? साथ में टार्टरिक एसिड होगा। समझ आ रहा है आपको? इतना क्लियर हो रहा है बच्चों? तो बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एडिबल एसिड, क्योंकि बेकिंग सोडा कैसा होता है, नेचर में बेसिक होता है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए आपको थोड़ा सा एसिड डालना कंपलसरी है, अदरवाइज खाने का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो बेकिंग सोडा और माइल्ड एडिबल एसिड के मिक्सचर को कहते हैं बेकिंग पाउडर। क्या करेगा ये, तो बता रहा हूं मैं आपको इससे क्या होने वाला है बच्चों। तो जब आप इसको गर्म करोगे, किसको? बेकिंग पाउडर को, जिसके अंदर NaHCO3 है और साथ में माइल्ड एडिबल एसिड है। एसिड कौन सा आयन बनाता है बच्चों? H+। तो ये H+ कहां से आया है? फ्रॉम एसिड। ओके, चलिए बच्चों, तो यहां पे क्या होना है, यहां पे होने वाला है बच्चों CO2 गैस इवॉल्व होगा और H2O बनेगा और यहां पे कोई सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट ऑफ द माइल्ड एसिड, जो एसिड डाला है उसको क्या बना लेगा? सॉल्ट बना लेगा दूसरा कोई। अब हमारे लिए बच्चों इंपॉर्टेंट है ये CO2 गैस। ओके, तो ये कब होगा? या तो आप बेकिंग पाउडर को गर्म करो, या तो उस बेकिंग पाउडर को आप कहां पे डालो बच्चों? वाटर में डाल दो, तो भी ये होगा। ओके, तो ये रिएक्शन कब काम में आएगा बच्चों? तो ये रिएक्शन आपके काम में आने वाला है ऑन हीटिंग और मिक्सिंग बेकिंग पाउडर विथ वाटर, ऑन हीटिंग और मिक्सिंग द बेकिंग पाउडर विद वाटर। तो कौन सा गैस इवॉल्व होगा? ये CO2 गैस इवॉल्व होगा। अब अगर CO2 गैस इवॉल्व हुआ है तो वो बाहर आने की ट्राई करेगा, तो जब वो बाहर आएगा तो जिसके अंदर भी आपने डाला है फूड स्टफ के अंदर, और फूड स्टफ को थोड़ा थोड़ा क्या करेगा? राइज करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा? फूड स्टफ में छोटे छोटे होल बन जाएंगे और वो फूड स्टफ कैसा हो जाता है बच्चों? फ्लफी हो जाता है। कैसा होता है? फूड स्टफ फ्लफी हो जाता है। क्लियर? तो यहां पे बच्चों स्टेटमेंट डाल देते हैं कि CO2 गैस क्या करने वाला है। तो CO2 गैस जो है वो क्या करेगा? CO2 कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज, ओके, एंड मेक देम सॉफ्ट एंड फ्लफी, मेक देम सॉफ्ट एंड फ्लफी। क्लियर बच्चों? बेकिंग पाउडर क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना जो पॉइंट है वो बेकिंग पाउडर का। समझ आ गया बच्चों आपको बेकिंग पाउडर क्या है वो? चलिए बच्चों, इसका दूसरा यूज है, क्योंकि ये बेसिक कंपाउंड है तो ये यूज होगा एज एन एंटासिड। इट इज यूज एज एन एंटासिड। एंटासिड कब यूज होता है बच्चों? जब आपको एसिडिटी हो जाए तो उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हम ये एंटासिड यूज करते हैं। वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आगे, एसिड बेस के स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा था, राइट? तो एज एन एंटासिड टू न्यूट्रलाइज, टू वॉट? न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टमक, ओके, टू गेट रिलीफ। ओके, अगर एक्सेस एसिड न्यूट्रल हो जाएगा तो फिर रिलीफ हो जाएगा। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पॉइंट में अलग कलर से लिख रहा हूं, दैट इज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। आप पूछोगे बस सचकर इसको कैसे एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे? तो आपको पता है ना कि जब ये बेकिंग सोडा को आप गर्म करोगे तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? तो ऑन हीटिंग इट प्रोड्यूस वॉट? CO2 गैस। ऑन हीटिंग इट प्रोड्यूस CO2 गैस। अब ये CO2 गैस क्या करेगा बच्चों? CO2 जो है ना वो हैवी होता है एयर से, CO2 इज हैवियर देन एयर, तो वो क्या करेगा? जो फायर है ना उसके आजू बाजू एक कवच बना लेगा, विच कवर्स द फायर। तो अगर CO2 गैस ने फायर को कवर कर लिया तो जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो तो बंद हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो गया मतलब आग भी बंद हो जाएगी। समझ आया आपको? तो विच कवर्स द फायर एंड स्टॉप सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एंड इट विल स्टॉप फॉर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो गया मतलब अल्टीमेटली फायर जो है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। यस और नो? फायर विल एक्सटिंग्विश। समझ आया? तो इसके तीन यूज है बच्चों, बेकिंग पाउडर बनाओ आप या एज एन एंटासिड उसको यूज करो, या आप सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करो। समझ आया आपको इतना? ओके, चलिए बच्चों, इसके बाद का जो आपका सॉल्ट है वो है आपका वॉशिंग सोडा। कौन सा सॉल्ट है बच्चों? वो वॉशिंग सोडा है। लेट्स सी द वॉशिंग सोडा नाउ।
चलिए बच्चों आगे आपका वॉशिंग सोडा। चलिए वॉशिंग सोडा की बात करेंगे तो इसका केमिकल फॉर्मूला है बच्चों Na2CO3 × 10H2। ये इंटू टेन एच टू क्या है बच्चों? तो इंटू में जब वॉटर होता है ना तो वो होता है वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसको अभी हम इसके बाकी टॉपिक में पढ़ने ही वाले हैं। तो इसका बच्चों नाम हो जाएगा 10 for deca, CO H2 मतलब हाइड्रेट, तो इट इज डेका हाइड्रेट ऑफ Na2CO2। क्या होता है बच्चों? Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट, सो इट इज डेका हाइड्रेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2, दैट इज योर वॉशिंग सोडा। ओके, कैसे बनेगा बच्चों वॉशिंग सोडा? तो आपको पता होगा कि जब आपने बेकिंग सोडा को गर्म किया था ना, NaHCO3 को जब गर्म किया था बच्चों हमने, तो आपको क्या मिला था? आपको याद होना चाहिए, उससे आपको मिला था Na2CO3। क्या मिला था बच्चों? उससे आपको Na2CO3 मिला था, प्लस आपको मिला था बच्चों H2O, प्लस आपको मिला था CO2, और हमने यहाँ पे 2 लगाया था। तो जब बच्चों आप बेकिंग सोडा को हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? Na2CO3 मिलेगा। बट ये Na2CO3 अभी किस फॉर्म में बच्चों? ड्राई फॉर्म में। किस फॉर्म में Na2CO3 जो है वो ड्राई फॉर्म में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर वाटर ऐड करना पड़ेगा, मतलब उसको आपको रिक्रिस्टलाइज करना पड़ेगा। सो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ Na2CO3, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ वॉट? Na2CO3 विल गिव्स वॉशिंग सोडा, विल गिव्स वॉट? वॉशिंग सोडा। तो जो आपका Na2CO3 है बच्चों ड्राई फॉर्म में, आपको खाली क्या करना है? उसके अंदर वाटर ऐड करना है। कितना वाटर ऐड करोगे? 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करो, तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इसको क्रिस्टल के एक पार्ट हो जाएंगे। अभी वाटर मॉलिक्यूल अलग है, बट जैसे ही आप Na2CO3 में ऐड करोगे तो वो क्रिस्टल का ही एक पार्ट हो जाएगा, और वो हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O, जो कि आपका है वॉशिंग सोडा। क्लियर बच्चों? तो पहले आप बेकिंग सोडा को गर्म करो, उससे आपको ड्राई सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, ड्राई सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज करो तो उससे आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों आपको इतना? चलिए तो इसके यूजेस देखे जाए। चलिए क्या क्या इसके यूजेस है बच्चों? तो इसके यूजेस है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, सोप्स एंड ग्लास। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉट? बोरेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों ये यूज होगा फॉर हाउस होल्ड क्लीनिंग पर्पस। नाम ही है ना वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग के लिए तो यूज करोगे ना। सो फॉर हाउस होल्ड वॉशिंग पर्पस। और आखिरी बच्चों ये यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर राइट मार्क कर रहा हूं, टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वॉटर, तो वॉटर का हार्डनेस का मतलब क्या है बच्चों? तो जब पानी के अंदर, ये हार्डनेस का मतलब है बच्चों कि जब पानी के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन आ गया ना, कौन सा आयन आ गया बच्चों? कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन, तो उस पानी के अंदर जब आप सोप डालोगे ना तो सोप जाग नहीं बना पाएगा उसके अंदर, मतलब सोप जो है ना वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो उस वॉटर को हम कहते हैं हार्ड वॉटर, जिसके अंदर ये दोनों आयन है। तो इस आयन को निकालने के लिए हम क्या डालते हैं बच्चों? उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट डालते हैं। क्या डालते हैं बच्चों? सोडियम कार्बोनेट, दैट इज वॉशिंग सोडा। इतना क्लियर बच्चों आपको? समझ आ गया। तो मैंने यहाँ पे बच्चों एक टर्म इंट्रोड्यूस किया है, ये 10H2O इंटू में क्या है? दैट इज अ वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अब बच्चों वही देखना है कि वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो क्या है और किस तरह से उसको हम समझेंगे। लेट्स सी दैट वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे ना हम एक एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करने वाले हैं। और हम क्या करेंगे बच्चों? बहुत सिंपल काम करना है आपको, एक टेस्ट ट्यूब लेना है। चलिए आ गया है टेस्ट ट्यूब आपके पास एक, और उस टेस्ट ट्यूब में आपको ले लेना है बच्चों कॉपर सल्फेट का पाउडर, जो ब्लू कलर का होगा। किस कलर का होगा बच्चों पाउडर आपका? कॉपर सल्फेट का जो पाउडर है, आप लैब में जब देखोगे ना कॉपर सल्फेट के पाउडर का डब्बा, तो पाउडर किस कलर का होता है बच्चों? ब्लू कलर का होता है। आपको खाली क्या करना है? आपको उसको गर्म करना है, टेस्ट ट्यूब को आप गर्म करो। जब आप टेस्ट ट्यूब को गर्म करोगे ना बच्चों, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये ब्लू कलर जो है ना, वो गर्म करने पर क्या हो जाएगा, ये ऑन हीटिंग ये ब्लू पाउडर जो है ना वो धीरे धीरे व्हाइट हो जाएगा। और आपको क्या देखने मिलेगा? टेस्ट ट्यूब का जो सरफेस है ना बच्चों, उसके ऊपर आपको वाटर ड्रॉपलेट देखने मिलेंगे। क्या देखने मिलेंगे बच्चों? उसके ऊपर आपको वाटर ड्रॉपलेट। हमने तो पानी लिया नहीं था, हमने तो खाली सॉल्ट लिया था, सॉल्ट तो सूखा था, तो पानी कहां से आया? इसका मतलब ये होता है कि सॉल्ट जो है ना वो दिख रहा सूखा है, बट उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल पहले से प्रेजेंट है, और जैसे ही आपने गर्म किया तो वो वाटर के मॉलिक्यूल उड़ गए। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है ना, जो सॉल्ट के अंदर ही प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आया बच्चों? तो यहां पे मैं लिखूंगा ऑन हीटिंग कॉपर सल्फेट पाउडर
वॉटर ड्रॉपलेट्स अपीयर। ऑन सरफेस ऑफ टेस्ट ट्यूब, कहां पे बच्चों? ऑन सरफेस ऑफ टेस्ट ट्यूब, ओके, वॉटर ड्रॉपलेट विल अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड द कलर ऑफ सॉल्ट विल चेंज। ओके फाइन, तो ये जो वॉटर मॉलिक्यूल इवोपरेट हुआ ना, वही आपका वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। चलिए उसको डिफाइन कर लेते हैं कि क्या होता है बच्चों आपका वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बच्चों होता है फिक्स नंबर ऑफ वॉटर मोलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द सेल ऑफ द सॉल्ट। ओके तो ये बच्चों आपका वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा फिक्स्ड नंबर ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन व्हाट? वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। इज दैट क्लियर? तो किसी भी सॉल्ट की एक फॉर्मूला यूनिट में जितने पानी के मॉलिक्यूल होते हैं ना, उस पानी के मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। चलिए बच्चों अब एग्जांपल देख लेते हैं। तो कॉपर सल्फेट जो है ना, वो एक्चुअली क्या होता है? CuSO4 × 5H2 होता है। क्या होता है बच्चों? वो CuSO4 × 5H2 होता है और इसका कलर होता है ब्लू। आपने जैसे ही बच्चों इसको गर्म किया ना, तो क्या हुआ? कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस हो गया। कैसा हो गया? कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस। ओके सारा पानी उड़ गया और ये पांचों के पांचों वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उड़ गए गैस के फॉर्म में और आपको वेपर देखने मिला। इज दैट क्लियर? और इसीलिए इसका जो ब्लू कलर था ना, वो चेंज होके क्या हो गया बच्चों? व्हाइट हो गया। ओके अब हायर क्लासेस में इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे कि इसका कलर ब्लू क्यों है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला एक टॉपिक है, आप आगे जाके पढ़ोगे। फिर एक और है बच्चों आपका, जो अपने वॉशिंग सोडा देखा ना, उसमें भी क्या था? Na2CO3 × 10H2 होता, राइट? फिर एक और एग्जाम्पल है बच्चों आपका, एग्जाम्पल से वन टू, और तीसरा एग्जाम्पल बच्चों हम लिखेंगे कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × 2H2O जो है ना, कैल्शियम सल्फेट के साथ दो वाटर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसे हम कहते हैं बच्चों जिप्सम। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम जिप्सम कहते हैं। ओके तो जो सॉल्ट आपको ड्राई दिखते हैं वो कंपल्सरी ड्राई हो, ऐसा जरूरी नहीं है, उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो हो सकता है। इज दैट क्लियर बच्चों? इतना समझ में आ गया आपको? चलिए अब आखिरी टॉपिक आपका बचा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी। लेट्स बिगिन द पीओपी नाउ। चलिए बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaSO4 × 1/2H2O। CaSO4 × कितना H2O? खाली आधा H2O है, तो इसे हम क्या नाम से बुलाएंगे? आधा मतलब हेमी, या उसको आप सेमी भी कह सकते हो। तो इसे हम लिखेंगे बच्चों हेमी हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। क्या नाम है बच्चों इसका? हेमी हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, दैट इज CaSO4 × 1/2H2O। कैसे बनेगा बच्चों ये? तो जो जिप्सम होता है, क्या होता है बच्चों? जिप्सम, उसको आपको गर्म करना है कितने टेम्परेचर पे? 373। ऑन हीटिंग द जिप्सम एट वॉट टेम्परेचर? 373 केल्विन टेम्परेचर, इट टर्न्स टू व्हाइट पाउडर। और वो व्हाइट पाउडर जो है ना बच्चों, और कुछ नहीं है, पीओपी है। इट टर्न्स टू व्हाइट पाउडर विच इज पीओपी। चलिए क्या होगा बच्चों? जिप्सम क्या होता है? अभी हमने देखा ना कि जिप्सम होता है CaSO4 × 2H2O। क्या है बच्चों? ये जिप्सम है, और जिप्सम जो है ना वो एकदम हार्ड मास होता है। कैसा होता है बच्चों? एकदम हार्ड होता है जिप्सम। ओके आप जैसे जिप्सम को गर्म करोगे बच्चों, कितने टेम्परेचर पे गर्म करना? एग्जैक्टली 373 पे। अगर 373 से ज्यादा गर्म हो गया ना, तो फिर ये जो आधा वाटर मॉलिक्यूल बचाना है ना, दो वाटर मॉलिक्यूल है अपने को, डेढ़ उड़ा के आधा बचाना है, तो पीओपी बनेगा। अगर ज्यादा गर्म हो गया तो वो आधा भी उड़ जाएगा, उसके बाद उसे कहते हैं डेड बर्न प्लास्टर, और फिर वो कोई काम में आता नहीं है, वो वापस सेट नहीं हो सकता, डेड बर्न हो गया तो। ओके चलिए अपना दो जो H2O है उसमें से हमें 1.5H2O को इवोपरेट कर देना है। तो बाकी यहां पे क्या बचा बच्चों? बाकी आपका बचता है यहां पे CaSO4 × 2 में से डेढ़ निकल गया, कितना बचा? 1/2H2O बचा के नहीं, तो यही क्या है बच्चों आपका? पीओपी है। क्या है बच्चों आपका? ये पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये 1/2H2O का मतलब क्या है बच्चों। 1/2H2O का मतलब ये है कि अगर आप इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करो? पूरे फॉर्मूला को 2 से, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2 × CaSO4 × 1/2 का डबल कितना हो जाएगा? 1H2O हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये है बच्चों कि दो कैल्शियम सल्फेट के मोलेक्यूल के बीच में एक वाटर मोलेक्यूल है फॉर द क्रिस्टलाइजेशन, मतलब दो CaSO4 मिलके एक वाटर मोलेक्यूल का शेयरिंग करेंगे। तो यहां पर बच्चों इसका मतलब क्या होता है कि मतलब होता है कि इसका 2 CaSO4 शेयर वन वाटर मोलेक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आया बच्चों आपको? दो मिलके क्या करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करेंगे, इसीलिए वहां पे एक के पास खाली आधा ही आएगा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये जो बच्चों आपका व्हाइट पाउडर है पीओपी, उसके अंदर अब जैसे ही पानी डालोगे ना तो वापस वो एकदम हार्ड मास हो जाएगा, बिकॉज वापस वो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वापस वो जिप्सम बन जाएगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा बच्चों ऑन एडिंग पीओपी टू वॉटर इट टर्न्स टू हार्ड मास, इट टर्न्स टू वेरी हार्ड मास विच इज अगेन बिकम, क्या बन जाएगा बच्चों, वापस वो जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वापस वो जिप्सम बन जाएगा, राइट। जिन लोगों ने हड्डियां तोड़ी होगी ना उनको पता ही होगा ये डॉक्टर लोग प्लास्टर किस तरह मारते हैं, वो है ना, बाल्टी के अंदर पानी लेते हैं, उसके अंदर व्हाइट पाउडर डालते हैं, एक रगड़ा बनेगा, रगड़े को यहाँ पे चिपका देते हैं जहां भी टूटा है वहां पे, और घर जाते जाते तो वो कैसा हो जाएगा, एकदम पत्थर जैसा हो जाता है कि नहीं, फिर उसको काटना ही पड़ता है। तो ये वही प्रोसेस है, जिप्सम बन जाता है उसमें से, पीओपी के पाउडर में से। चले बच्चों क्विकली अब इसके यूजेस देख लिए जाए। तो सबसे पहला यूज है बच्चों टॉयज बनाने के लिए, है कि नहीं, फिर आप उसमें से मूर्तियां बना सकते हो, तो फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, पीओपी के गणपति की मूर्तियां होती है ना, ओके। चलिए बच्चों फिर दूसरा है आपका टू सपोर्ट द फ्रैक्चर बोन, टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन, ओके। फिर ये यूज होता है बच्चों फॉर डेकोरेटिव पर्पस, आपको पता होगा घर पे पीओपी का सीलिंग बनता है ना, बनता है ना पीओपी का सीलिंग, फॉल सीलिंग कहते हैं उसको, है ना। चलिए बच्चों और आखिरी यूज है बच्चों आपका इसका फॉर मेकिंग द सरफेस स्मूथ, फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी उसके ऊपर पीओपी का लेयर मारा जाता है, क्लियर। तो बच्चों यहां पे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस भी खत्म होता है, और यहां पे मैं आपको अनाउंस कर रहा हूं कि पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है आपका। हमने चैप्टर का हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से डिटेल में किया है, ओके। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे बच्चों तब हम इसका एक एक्सरसाइज का वीडियो देखेंगे, फाइन। वहां तक बच्चों आप ये पूरा जो चैप्टर है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, खुद के लिए नोट्स बना लो, बिकॉज एग्जाम में एसिड बेस सॉल्व चैप्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और आपको ये कंपलसरी बहुत अच्छे से समझ में आना ही चाहिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, योर सपोर्ट इज नीडेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।